जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मोर साथ में छत्तीसगढ़ के आइकॉन अगर कहे जाए सिनेमा के कला संस्कृति के मोहन सुंदरानी हैं। सुंदरानी वीडियो वर्ड हमन मन सब जानथन। यूट्यूब में बहुत सारा गाना आते, बहुत सारा फिल्म विलिम सब नवा नवा फिल्म जो होते वो सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड में देखे कर में मिलते। अभी एक फिल्म आते हैं आप सब जानता हो, मया वाले, मया दे दे मयारू, मया मया के जो बहुत सारे फिल्म बनाए रही से प्रेम चंद्राकर, उसका सातवां फिल्म आता है लोरिक चंदा एक दूसर बर्म। मोहन भैया कैसे लगते हैं प्रेम भैया की जो फिल्म आते हैं उसके बारे में का कही? जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, मोहन सुंदरानी के राम राम। आज मैं ममता चंद्राकर जी, प्रेम चंद्राकर जी को जब से मैंने होश संभाला है संगीत में, होश तो बचपन से संभाला था मगर संगीत में जब से होश संभाला है, छत्तीसगढ़ में लोक संस्कृति की जो पकड़ है प्रेम चंद्राकर जी और ममता चंद्राकर जी जो पकड़ है, मैंने किसी कलाकार में इतनी नहीं देखा। मैंने हजारों कलाकारों के ऊपर काम किया, लाखों धार्मिक लोक संगीत के ऊपर कहानियाँ, मैंने लाखों एल्बम रिलीज की हूँ, मगर जो संस्कृति की पकड़ है यह मैं आत्मा से दिल से कह रहा हूँ, यह ममता चंद्राकर जी और प्रेम चंद्राकर के पास एक खजाना है, एक गॉड गिफ्ट है, जो लगन से गांव-गांव जाके अपनी पारंपरिक गीत लोक विधाओं को एक सोच के रखे है। अब सवाल है फिल्मों का। हमारे छत्तीसगढ़ के फिल्म निर्माता निर्देशक प्रेम चंद्राकर जी कि फिल्मों में एक बहुत बड़ी पकड़ है, उसका उदाहरण बता रहा हूँ। इनकी जब प्रथम फिल्म आई थी मया दे दे मया ले ले, वो वाकई में बहुत रिकॉर्ड तोड़ी थी। वो दिन मुझे याद है जब रिलीज हुई थी टॉकीजो में, जब दर्शक आते थे जितने अंदर पूरे पैक रहता था उतने ही बाहर इंतजार करते थे सेकंड शो का, तीन तीन घंटे बाहर बैठते थे। वो दिन जब मुझे याद आते हैं प्रेम चंद्राकर जी के, उस दिन के उसके बाद प्रेम भैया ने परदेसी की मया दे दे मयारू ऐसा करके फिल्में जो भी फिल्म बनाई, तो यहाँ की संस्कृति को देखते हुए लोकगीत कुछ आज के माहौल के गीत बना के और जो उन्होंने लिया लोगों ने बहुत, और उसके बाद जो एक अच्छी फिल्म मानता हूँ मैं भी एक निर्माता हूँ, मैं भी प्रेम भैया से कुछ सीखता ही हूँ, उनसे सीख के ही हम लोग आगे बढ़े हैं। जो लोरिक चंदा है, यह लोरिक चंदा जो छत्तीसगढ़ से माटी से जुड़ा हुआ है, हमारा दर्शक जो जानते हैं क्या होता है लोक कथा गाथा, उनके लिए मैं उनके लिए संदेश नहीं, जो नहीं जानते लिए उनके संदेश दे रहा हूँ कि यह फिल्म जिस तरह से हमारे हिंदुस्तान में एक लैला मजनू, एक लैला मजनू का किस्सा कहानी कथा जिस तरह है, जिस तरह से हीरांजा और भी होगी लोग कहानियाँ, उसी तरह एक लोरिक चंदा प्रेम गाथा, प्रेम एक दिल में जब प्रेम हो जाए लोरिक के और चंदा के लिए क्या करता है, चंदा उसके लिए क्या करती है, यह तो पूरा अब जब फिल्म देखेंगे दर्शक तभी उनको एहसास होगा। मैं जरूर मानता हूँ कि आज के निर्माता जिसमें मुझे भी पकड़ो तो मुझे कोई लगता नहीं, व्यावसायिक रूप से बनाते हम चाहते हैं गीत एक मसाला डाल दें ताकि लोगों को अच्छा लगे और हमारी फिल्म चले, मगर प्रेम चंद्राकर जी के फिल्म में जो इसमें गीत है, इस माटी से जुड़े हुए लोक संगीत से जुड़े हुए गीत है, लोगों को बहुत अच्छा पसंद आ रहा है। माया के बंधना छन छूटे संगी कबूना, दोनों एक दूसर के जान, दोनों एक दूसर के जान, दोनों एक दूसर के सपना। प्रेम भैया ने इस इन गीतों को और इन फिल्मों को के लिए किसी बॉम्बे की कंपनी, याद तो नहीं आ रहा कौन सी कंपनी, उनको दिए थे। मैंने प्रेम भैया से रिक्वेस्ट करके मैंने बोला इस फिल्म की गीत
संगीत और इसकी प्रमोशन के लिए मुझे दो। तो प्रेम भैया ने मेरी विनती स्वीकार कर इस प्रोजेक्ट लोरी के चंदा के गीत फिल्मों को राइट्स मैंने रिक्वेस्ट करके लिया और प्रेमचंद्राकर ने सहजता से मुझे दिया। ये प्रेमचंद्राकर जी का बड़ा महान महान मानता हूँ उनको। वो भी समझते थे कि यार सुंदरानी के दूंगा मैं तो अच्छा ही रहेगा, मेरी विनती स्वीकार किया। मैं निश्चित रूप से करता हूँ, एक ही गीत में एक रस भरा हुआ, एक ही गीत में कहानी है। गीत तो आज लाखों लाखों बनते होंगे, रोज 10,000 लोग गीत लिखने वाले होंगे छत्तीसगढ़ में, मगर एक ही गीत में उसका महत्व, छत्तीसगढ़ का महत्व इन गीतों में है। तोरी बजरी के धुन राजा, तोरी बजरी के धुन मदोही, हाय मुरी जान छुड़ाते ना इपरान छुड़ाते ना, मुरी जान छुड़ाते ना इपरान छुड़ाते ना। दर्शक एक सिनेमा घर में पर्दे में देखेगा तब उन्हें लगेगा कि कला क्या होती है। और मैं तो दर्शकों से अपील करूंगा, मैं यह 29 तारीख को प्रदेश के कई सिनेमा घरों में लग रही है, जिसमें रायपुर में प्रभात, बिलासपुर में सत्यम जी। ये फिल्म मोहन भैया कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और जैसे कि आप सब जानते हैं कि नाम ही बहुत है, ब्रांड नेम है प्रेमचंद्राकर जी का, कला संस्कृति या छत्तीसगढ़ियापन से जुड़ी रहती है, तो 29 तारीख के ये फिल्म जरूर देखें। ये 29 तारीख को मेरी दर्शकों से अपील है, विनती है, आप तो देखें, अपने परिवार को दिखाएं, और परिवार को दिखाने के पास आसपास जहां पड़ोस में रहते हो उनको दिखाएं। बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत अच्छा लगेगा, अपनापन लगेगा कि हम छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ में रह के और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक गाथा। ये पहली फिल्म है लोक गाथा की, फिल्म पहली है आज माटी की फिल्म, अगर मैं सचमुच मानता हूँ तो लोरिक चंदा पहली फिल्म है, क्योंकि लोरिक चंदा पे मैंने जब से संगीत और इसमें जो रुचि ली है, लोरिक चंदा की मुझे एक स्टोरी कंसेप्ट पूरा मालूम है, मगर फिल्माने का अलग ढंग है। जो जो हम फिल्माएंगे, जो प्रेम फिल्माएगा एक अलग ही रहेगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा माटी से जुड़ा, लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह फिल्म एक रोमांटिक म्यूजिकल अच्छी फिल्म है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ दर्शकों से, यह फिल्म एक बार जरूर देखें। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। आप मन समय देओ, एक असेति धन्यवाद, मोर साथ में दिनेश साहू को धन्यवाद, जय जोहार। लोरिक चंदा जुग जुग तक मन खे मने कर कथा लगाही, और दो बूंद आंसू के ढर कही। इही छोई महाराज, इही छोई। पराया काबर लोरिक, तोर काबर नहीं, ते तो मोर परानस लोरिक, मोर सांस सांस मा समाये हस्ते हां। देखो नदिया के पानी हिलोर मारे झूमे झूमे, आज के बाद राजमहल के डेरी ले चंदा झंडा आकुन पाए। मेरे राजा के दरबार मा मियाए की भीख मांगत हूं। पहली नजर मा जो ही, पहली नजर मा, पहली नजर मा जो ही, पहली नजर मा, काबर बनाए मोला ते हाँ दीवाना, ती ही हाँ बताना, ती ही समझाना, ती ही हाँ बताना, ती ही समझाना। लोरिक चंदा।